नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले को लेकर जिसको लेकर बिहार सरकार लंबे समय से कंसर्न रही है। वो चाहती है कि बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को जितनी जल्दी हो सके निपटा दिया जा सके, ताकि बिहार में अपराध के मामलों में कमी आए। लेकिन बिहार सरकार लगातार कोशिशें करती रही, लेकिन उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी ना तो इन जमीन के मामलों को सुलझाना चाहते हैं और ना ही सरकार की बदनामी होने से बचाना चाहते हैं। हमारे सामने एक ऐसा ही मामला सामने आया है, हनुमान नगर से है और यह है SBI ऑफिसर कॉलोनी नंबर 5 का। आज हमारे साथ जो दो लोग हैं उसमें, उस पूरी सोसाइटी के जो दो लोग हैं उसमें एक का नाम है पुण्यदेव उपाध्याय, जो कि अध्यक्ष है इस पूरी सोसाइटी के, और जो दूसरे हैं वो उनका नाम है दिनेश कुमार और ये जो हैं वो सचिव हैं। हम इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे सोसाइटी में क्या मामला है, जमीन से जुड़ा हुआ क्या मामला है, और बिहार सरकार जो है, या फिर कह लें जिला प्रशासन जो है, इनको किस तरह की मदद की है या फिर नहीं की है, या फिर पूरा मामला जो है कहां से कैसे फंसा हुआ दिख रहा है। हम चलेंगे दिनेश कुमार जी के पास, जो कि इस सोसाइटी के सचिव हैं। बताएं कि इस पूरा मामले की शुरुआत कैसे हुई और आपने जब जमीन खरीदा था तब क्या मामला था और अब क्या स्थिति यहां पे बनती दिख रही है। धन्यवाद रतन सेन जी। ये हमारा सोसाइटी जो है इसका 5वां प्लान है जी। ये हनुमान नगर का जी, यहाँ पर हम लोगों ने 123 कट्ठा जमीन लिया था जी, जो पृथ्वीपाल सिंह के दो पुत्र मानिक सिंह और हरदेव सिंह जी, तो इनके परिवार से, जैसे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उन लोगों से हमने लिया था जमीन। ये 15 जून 1982 जी और 16 जून 1982 को लिया जी। ये दो अलग अलग तारीखों में इस प्लॉट का जो है, हाँ, दो अलग अलग तारीखों में अलग अलग प्लॉट है। 8 प्लॉट से हम लोगों ने जमीन लिया, लेकिन हम लोगों का विवाद जो है वो 900 नंबर प्लॉट में है जी। 900 नंबर प्लॉट में हमने 3 सेल डीड से 16 कट्ठा से कुछ ज़्यादा जमीन लिया था जी। लेकिन विवाद है उसके पार्ट 900 के अंश भाग पर, जिसमें 4 कट्ठा 16 धूर जमीन है। ये इसका जो है हम लोगों ने जमाबंदी 2331/1984 में ही करवाया और इसका भू लगान हम लोग देते आ रहे हैं। इसके बाद ये 2013-14 में हम लोगों को पता लगा कि कुछ लोग इसको नाजायज ढंग से हड़पना चाहते हैं। हम लोगों ने अपनी जमीन की हदबंदी कर दी थी, पूरा चार दीवारी बना हुआ था। तो जहाँ ये सोसाइटी है वहीं पे आपका जो जमीन है, जो अभी विवादित मामला, जो 900 नंबर प्लॉट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो उसी सोसाइटी के अंदर में आता है वो जमीन। हाँ, सोसाइटी में जैसा मैंने आपको बताया कि 123 कट्ठा जमीन हम लोगों ने लिया जी, और ये 41 सदस्य उस कॉलोनी में थे जी, जिन लोगों को हमने प्लॉटिंग करके जमीन दे दिया ताकि वो अपना आवास बना सके। ये जो प्रश्नगत जमीन है जी, ये हम लोगों ने छोड़ा था कम्युनिटी हॉल के लिए जी, और कुछ जमीन हम लोग रोड और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या पार्क के लिए हम लोगों ने छोड़ा। जो विषयगत जमीन है यह हमारे सोसाइटी के पूर्व दिशा में 4 कट्ठा 16 धूर के करीब आ रहा है जी, जिस पर उन लोगों ने, ये मुख्यतः प्रवीण कुमार सिंह जी ने, गलत कागजात बनाकर, गलत कागजात में दो मुख्य है, एक तो है उनका ये दाखिल खारिज का कागज और एक है नापी का जी। तो दाखिल खारिज कागज देखने से ही पता लगता है कि वो क्या गड़बड़ी उसमें की गई है जी। इन लोगों ने अंचल कार्यालय के कर्मचारी से मिलकर जी गलत ढंग से कागज बनवाया और उसके बाद वो दावा करने लगे कि वो, और उसके उतना ही नहीं, वो लोग रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे आ करके जमीन पर कब्जा करने का कोशिश करते रहे, जिसका हम सभी लोगों ने विरोध किया जी। और विरोध के तौर पे आपने क्या क्या किया, कैसे पूरा मामला जो है? विरोध में हम लोगों ने तो पहले
डायरेक्ट हम लोगों ने उसको कन्फ्रंट किया, लेकिन हम लोग देखे कि वो लोग हथियार वगैरह के साथ भी थे, तो हम लोग पत्रकार नगर थाना, जो हम लोग उसी के अंतर्गत आते हैं, पत्रकार नगर थाना हम लोग गए, वहाँ से हम लोगों ने मदद मांगी, तो पत्रकार नगर थाना से मदद मिली। शुरुआत में उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, बाद में उन लोगों का सहयोग नहीं मिला, और इस बीच ये लोग प्रवीण कुमार सिंह या उनके जो गुड़गे हैं, इन लोगों ने कोशिश हमेशा जारी रखी और कि हमारा बाउंड्री तोड़ दिया इन लोगों ने, और वहाँ पर जो ये था बालू और ये मिट्टी भरने का भी लोग कोशिश कर रहे थे, तो हम लोगों ने विरोध हमेशा से किया। हम लोग थाना, उसके अलावा हम लोग अब जो है यहाँ तक जो है मामला है, इसमें थाना अब सपोर्ट करना बंद कर दिया। हाँ। तो अब इस पूरे प्रकरण में एक नाम सामने आ रहा है, वो है प्रवीण कुमार का। अब बताएं प्रवीण कुमार है कौन? जिनसे हमने जमीन लिया, मानिक सिंह और हरदेव सिंह जी, इनके जो पिताजी थे जी, उनका नाम पृथ्वीपाल सिंह जी, और पृथ्वीपाल सिंह तीन भाई जी, जिसमें से एक भाई मूलचंद सिंह के चार पुत्रों में अवधनंदन सिंह एक पुत्र थे, और अवधनंदन सिंह का एक पुत्र प्रवीण कुमार सिंह। तो प्रवीण कुमार सिंह मुख्यतः वही इसमें कागजात बनाने में और हम लोगों को डिस्टर्ब करने में उन्हीं का मुख्य रोल था, और उनको सहयोग जो है कुछ गलत किस्म के लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के भी हैं, उन लोगों ने देना शुरू किया, और इस तरह से वो लोग अनवरत कोशिश करते रहने के बाद जमीन पर उन लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया। हम लोग एक बात और थी कि जब पत्रकार नगर थाना से हम लोगों को सहयोग जब नहीं मिला, तो हम लोग वरिष्ठ अधिकारी सीनियर एसपी या आईजी या जो ईस्ट के एसपी हैं, उन लोगों से भी हमने ये जानकारी दी और उनसे भी सहयोग की मांग की। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि आप जाइए और थाना आपको सहयोग करेगा जी। लेकिन हम लोगों को वांछित सहयोग नहीं मिला, जिसके चलते उन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अब आगे की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ी? आपने बताया कि जमीन पर कब्जा करने के बाद हम लोगों ने उस समय भी बहुत प्रयास किया कि इसकी कोई सुनवाई हम लोग कहीं से हो, तो हम लोग डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, हम लोग कई जगह गए, सीओ के यहाँ तो गए ही थे, उसके बाद हम लोग अपर समाहर्ता के यहाँ गए, यहाँ से भी हम लोगों को कोई सफलता जब नहीं मिली, सहयोग नहीं मिला, तो हम लोगों ने कमिश्नर को कंप्लेन किया, तो कमिश्नर ने इसका कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने एक इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करवाने के दरमियान उन लोगों ने बुलाया सीओ को, अपर समाहर्ता को, अमीन और ये कर्मचारी, वो सब लोग कार्यालय में उपस्थित हुए, आयुक्त कार्यालय में, और वहाँ पर जो भी बात हुई तो उन लोगों ने कहा, आयुक्त कार्यालय से जो इंक्वायरी किए वो उपनिदेशक पंचायती राज, उन्होंने सर्किल ऑफिसर को कहा कि आप पूरा कागजात इस संबंध में हमको दीजिए, लेकिन उनके यहाँ कोई कागजात उपस्थित नहीं था रिकॉर्ड में, तो वो लोग नहीं दिए और रिपोर्ट दिए, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जमीन सोसाइटी की है और इस पर इनको अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये रिपोर्ट कमिश्नर ने भेज दिया डीएम को, और डीएम उस पर कार्रवाई करने के बजाय या कार्रवाई करने के सिलसिले में उसको सिर्फ अंचल कार्यालय को उन्होंने भेज दिया, और देखें क्या है। हाँ, वही वैसा कार्यालय जिसने शुरुआत ही की थी गलत काम से, उसी को उन्होंने भेज दिया। हम लोगों ने कहा भी
कि भाई आप वहाँ भेज करके कोई इसका निदान नहीं होगा, आप अपने स्तर से कीजिए। और चूंकि इंक्वायरी इसमें की जा चुकी है इसीलिए इस पर कार्रवाई की जरूरत है। तो ये इस तरह से मामला हुआ। जब इस पर भी हम लोगों को कोई सफलता नहीं मिली तो हम लोग जब डीएम के पास ये पूरा मामला था, डीएम ने इसको अंचल के पास भेजा, अंचल ने क्या किया इसको लेकर? अंचल कार्यालय ने कुछ नहीं किया। अंचल कार्यालय को लगता है हम लोगों ने कम से कम 50 पत्र दिया होगा जी, और विभिन्न विभाग से जो भी पत्र उनको गए जी, उस पर कोई जवाब न तो उन्होंने जवाब दिया और न कोई कार्रवाई किया। तो हम लोग उसके बाद फिर विभागीय लोक शिकायत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोगों ने कहा कि भाई इस पर उचित कार्रवाई की जाए। एक एक मांग हम लोगों ने और किया कि अपर समाहर्ता के यहाँ सुओ मोटो मतलब इसका जो कॉग्निजेंस ले करके वो कार्रवाई करें। तो उस पर विभिन्न स्तर में सुनवाई के बाद उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया और अपर समाहर्ता ने इस पर कार्रवाई करते हुए जी, जो प्रवीण कुमार सिंह की जमाबंदी 2064 उसको रद्द कर दी। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रवीण कुमार सिंह की जमाबंदी जो कायम हुई उनके दो बच्चे दोनों मर गए और उसके बदले में उन्होंने अनुरोध किया कि हमारी जमाबंदी इस पर कायम की जाए, उस दाखिल खारिज। मतलब कि पूरा मामला ये है कि बेटे के नाम से जमीन है और पिताजी कह रहे हैं कि हमारे नाम से कर दिया जाए। तो वहाँ पर कोई गलत ऐसे अपरेंटली नहीं है जी। लेकिन गलत क्या हुआ, जो कागज बना उसमें जो जमाबंदी दर्ज किया हुआ है पहले का 2062 और 2064, लेकिन जो जमाबंदी उसके लड़के का दिखाया गया, लड़के का नाम है निशांत सिंह। हाँ, निशांत सिंह, निशांत सिंह, निशांत सिंह। हाँ, 2063 और 2064 निशांत सिंह और निशांत सिंह। हाँ, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण इसमें ये था विरोधाभास ये है कि दोनों लड़के का 5-5 प्लॉट दिखाया गया जी। एक का 23 डिसमल और एक का 6 डिसमल जी, और दोनों में 5-5 प्लॉट का जिक्र किया हुआ है जी, जी। ये विषयगत जमीन प्लॉट नंबर 900 का है। 900 में इनकी कितनी जमीन है, क्या रकबा है, या अलग अलग जो उसमें दिया हुआ है प्लॉट, तो उसमें मैं प्लॉट देख पा रहा हूँ 893, 900, 901, 902, 903 जो है ये निशांत सिंह के नाम से प्लॉट जो है आवंटित है, 23 डिसमिल जमीन इसके तहत है। दूसरा जो निशांत सिंह के नाम से है वो 893, 903, 900, 901 और 902 है, ये 6 डिसमिल जमीन जो है ये निशांत सिंह के नाम से गलत है। तो दोनों में 23 डिसमल और 6 डिसमल में जी 900 में कितना है, या अलग अलग प्लॉट में कितना है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसका दूसरा है। दूसरा जी एक और विसंगति इसमें है कि 23 डिसमल और 6 डिसमल ये दोनों का योग 29 डिसमल होता है, जबकि उसी कागज में ये दर्शाया गया है 31 डिसमल। हाँ, 31 डिसमल दर्शाया गया है और इसमें जो है इसमें लिखा हुआ है प्रवीण सिंह के नाम से ये जमीन है, अब नारायण सिंह के बाद जो है प्रवीण सिंह के पास आई है। इसका खाता नंबर 363 है और इसका जो खेसरा नंबर है वो है 893, 900, 901, 902 और 903 के तहत जो है ये इतने से ऊपर में जो उनके जो दोनों बेटे हैं वहाँ से यहाँ आया है। आया मामला है ये, मामला ये नहीं, इसकी बात तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि इसमें हम लोग ये देखें कि ये 23 डिसमल और 6 डिसमल 29 होता है। हाँ, ये 31 डिसमल दिखाया गया, इनका रसीद जो कटा है हाँ, इसके आधार पर वो 28.25 डिसमल है जी। तो तीनों में कौन सा सही है ये बताना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ये जो भी कागजात बनाया गया है वो बिल्कुल फर्जी है या किसी दबाव या प्रलोभन में बनाया गया है। इसके आधार पर इन्होंने एक नापी भी करवाया, नापी में भी विसंगति है। नापी करने पर जिस समय किया जाता है तो उस तिथि की पूर्व सूचना उसके चौहद्दीदारों को दी जाती है, क्योंकि हम लोग इसमें चौहद्दीदार हैं,
तो और इसीलिए हम लोगों को कोई इसमें खबर नहीं किया गया। वहाँ भी अमीन को अंचल कार्यालय से 28 डिसमल जमीन नापी करने के लिए कहा गया, जबकि वो सिर्फ 14 डिसमल जमीन 4 कट्टा 10 धीर जमीन का नापी करके अपना रिपोर्ट दिए। बाकी 14 डिसमल जमीन का क्या हुआ ये अमीन यहाँ साइलेंट है। इससे भी लगता है कि दोनों कागजात जो है बिल्कुल फर्जी हैं। कागजात के दौरान देखने के दौरान हमने भी देखा और आप भी बताएं कि इस पूरे जो प्रवीण सिंह का जो जमाबंदी है उसको खारिज कर दिया गया, उसको गलत तरीके से बताया गया। इस पूरे प्रोसेस को बताएं कि आखिर ये पूरा जो प्रवीण सिंह का जमाबंदी है वो कैसे खारिज हो गया। हम लोग विभागीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गए पटना, और वहाँ से हम लोगों ने जमाबंदी रद्द करने के लिए अनुरोध किया कि आप अपर समाहर्ता को आवश्यक निर्देश दें। इसके पूर्व अपर समाहर्ता के पास भी हम लोग गए थे जमाबंदी रद्द के लिए, लेकिन उन्होंने हम लोगों के आवेदन को सर्किल ऑफिसर को ही भेजा, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब हम लोग विभागीय लोक शिकायत में गए तो उनके निर्देश पर इन्होंने सुओ मोटो स्वप्रेरणा से केस जमाबंदी रद्दीकरण का दायर किया, और प्रॉपर सुनवाई के बाद करीब करीब 2 साल लगा। 2 साल के बाद उन्होंने पूरा कागजात देखने के बाद और विरोधी पक्ष का भी तर्क सुनने के बाद जमाबंदी नंबर 2064 जो प्रवीण कुमार सिंह के नाम से थी उसको रद्द कर दिया। आपने मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बारे में भी सुना होगा, जहां पूरे प्रदेश के गरीब जनता हो या फिर कोई भी हो उसकी शिकायतें सुनी जाती है, तो क्या इस पूरे मसले को लेकर आप मुख्यमंत्री के पास नहीं गए या फिर गए? मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हम लोग गए थे 2016 2 मई को, लेकिन उसका फलाफल हम लोगों को नहीं पता लगा, जबकि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि उसका हम लोग पता लगाएं कि क्या इसका रिजल्ट हुआ। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जब हमारे पहले के आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं पता लगी तो हम लोगों ने 2021 नवंबर में आवेदन दिया, जिस आवेदन को दिखाया गया पेंडिंग। बाद में अभी हाल में देखने पर पता लग रहा है कि ये अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि आवेदन उसमें नहीं संलग्न था यह कारण बताया गया, जबकि आवेदन और संलग्नक सभी चीज़ें उसमें दी गई थी, जिसका मेरे पास प्रूफ तो है ही। लेकिन जब हमारे आवेदन को अस्वीकृत दिखाया गया तो ये अपेक्षा तो आवेदक को रहती है कि आप मेल आईडी लेते हैं, आप एड्रेस लेते हैं, आप मोबाइल नंबर लेते हैं, तो कम से कम इस माध्यम से सूचना दी जानी चाहिए थी, इससे भी सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। जब ये पूरा जमाबंदी जो प्रवीण कुमार के नाम से था वो जमाबंदी जब खारिज हो गया, जब उसे तोड़ दिया गया, उसके नाम से नहीं रहा, तब उसके बाद क्या हुआ? हम लोगों को पता लगा कि प्रवीण कुमार सिंह ने जो जमीन 4 कट्ठा 10 धूर और हम लोगों के हिसाब से 4 कट्ठा 16 धूर होता है, उस जमीन को इन लोगों ने, प्रवीण कुमार सिंह ने 5 अलग अलग व्यक्तियों के नाम से बेच दिया, जो कि सर्किल ऑफिसर के सहयोग से 5ों की जमाबंदी कायम हो गई। ये जब हम लोगों को पता लगा तो हम लोगों ने अप्रोच किया अपर समाहर्ता को। अपर समाहर्ता ने सर्किल ऑफिसर को निर्देश दिया कि चूंकि मूल और मुख्य विपक्षी की जमाबंदी रद्द हो गई है, इसीलिए इससे जो नई जमाबंदी सृजित की गई है, इस जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव आप हमको भेजें। और इस प्रकार उन्होंने रद्द करने के लिए 5ों जमाबंदी प्रस्ताव भेजा, जो अभी प्रक्रिया में है और उसका अभी सुनवाई हो रहा है।
अब ये बताएं कि जो वो विवादित जमीन है, जो 900 नंबर प्लॉट का जो जिक्र हो रहा है, उस पे जो है वर्तमान में क्या स्थिति है, उस जमीन की क्या स्थिति है, क्या चल रहा है उस पे? 900 नंबर प्लॉट का अंश भाग जो विषयगत जमीन है, उसमें 5 लोगों को जो बेची नामा किया गया है, उन लोगों ने उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसका विरोध हमने किया और जिसके लिए हम लोगों ने सभी कार्यालय को, जो थाना है या SSP है या DM है, कमिश्नर हैं, सबको हम लोगों ने सूचित किया। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर निर्माण कार्य अबाध चलता रहा, बल्कि जिस समय में ये कोरोना लॉकडाउन था उस समय में भी वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। और अभी 3 व्यक्ति कम से कम उसमें से जिन लोगों ने उस पर निर्माण कार्य कर लिया है, बाकी 2 व्यक्ति हैं जिसमें एक ने निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा हुआ है और एक का प्लॉट अभी खाली है, तो उसमें निर्माण कार्य कुछ लोगों ने कर दिया है और उसमें से एक व्यक्ति वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी खोल दिए हैं। अच्छा। और उस हॉस्पिटल को उन्होंने शुरू किया है। और हॉस्पिटल में एक दूसरा हम लोगों को दिक्कत क्या हो रहा है, वहाँ लाउड स्पीकर बजता है, लाउड स्पीकर से कहा जाता है पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को कि अमुक जगह जाओ, यहाँ पैसा जमा करो, उस डॉक्टर से मिलो, ये तो वो लाउड स्पीकर रात में भी बजता है, दिन में भी, तो आसपास के जो भी लोग हैं सब लोगों की नींद भी खलल होती है, डिस्टरबेंस भी होता है। बल्कि हमारे कॉलोनी में बगल में ही एक पेशेंट है, 70 साल की औरत, उनको नींद भी रात में नहीं होती है उसके चलते। अच्छा। तो हम लोगों को इस तरह की दिक्कत हो रही है। जब इस तरह के जितने भी प्रशासनिक मामले जो हो सकते थे, जिला प्रशासन से जो मदद मिलनी थी या फिर बिहार सरकार के अधिकारियों से जो मदद या फिर सरकार के जो भी नियम कानून है उससे मदद मिलनी थी, उसमें ये आखिरी निष्कर्ष पहुंचा है कि प्रवीण कुमार सिंह की जो बंदोबस्ती है उसे खारिज की गई है, लेकिन जमीन अभी भी उनके कब्जे में बना हुआ है। तो क्या आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? इसको हम इस तरह से कहेंगे कि प्रवीण कुमार सिंह तो अब उससे फारिग हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अब जमीन 5 लोगों के बीच में बेच दिया है। तब 5 लोगों से अलग करने के लिए, जब तक उनका जमाबंदी पहला प्रोसेस, जहां तक हम समझते हैं पहला प्रोसेस तो होगा कि जमाबंदी उसका भी रद्द हो जाए, और उस जमाबंदी रद्द होने के बाद तब हम लोग प्रशासन से सहयोग मांगेंगे कि इस पर हम लोगों को शांतिपूर्ण कब्जा दिलाया जाए। और जहाँ तक बात है कि ये कोर्ट का तो कोर्ट में हम लोग गए हैं, हम लोग टाइटल सूट में भी गए थे और 144 भी लगा था, तो 144 जो लगा था 2014 में वहाँ भी सोसाइटी के पक्ष में आदेश दिया गया SDO के द्वारा। और जब टाइटल सूट में हम लोग गए तो बिना सोसाइटी के पक्ष को गुण दोष देखे हुए जज साहब ने, माननीय जज ने उसको खारिज कर दिया। तो हम लोग उस निर्णय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट गए, उच्च न्यायालय में, और वहाँ हम लोगों ने केस किया है। ये केस 2019 से लंबित है, उसके बाद कोरोना के चलते वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है सिविल का। हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र इस केस को सुनवाई की जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। सर, अब तमाम जो मामले हैं उसको सुनने के बाद, इसमें तो प्रवीण सिंह का जो एक तो खारिज हो गया, लेकिन उन्होंने 5 अलग अलग लोगों के नाम से जो है उन्होंने उस पूरी ज़मीन को 5 अलग अलग प्लॉटों में बांट कर उसे दे दिया। कुछ लोगों ने निर्माण भी किया है, कुछ लोगों का निर्माण अभी बाकी है। अब आप बताएं कि क्या चाहते हैं आखिर में? अब हम लोग, हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज़मीन कब्जा में आ जाए, हम लोग के, आप लोगों के कब्जे में आ जाए जी। वो जो, और उसके लिए हम लोग अपना कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। क्या चाहते थे उस जो जमीन जो जिस पे विवाद चल रहा है, आप लोग सोसाइटी के लोग जो है उस पे क्या बनाना? हम लोग कम्युनिटी हॉल उसमें बनाने के लिए वो जमीन छोड़े थे जी, और उसी पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है।
अच्छा। और अनाधिकृत ढंग से इन लोगों ने निर्माण कार्य किया है। मतलब कि एक तो अब रहने में तो दिक्कत हो ही रही है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी खराब हुआ है। और वो एक ऐसी सोसाइटी का एक ऐसा अहम हिस्सा था जहाँ पे लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से गेट टुगेदर कर सकते थे, मिल सकते थे। कम्युनिटी हॉल जो है बनाने की बात कही गई थी। तमाम तरह के जमीन से जुड़े हुए मामले बिहार में है। बिहार सरकार लगातार चाह रही है कि जमीन से जुड़े हुए मामलों को कम किया जा सके। सरकार की तरफ से भी कई ऐसे आंकड़े हैं जो कि प्रस्तुत किए गए हैं, और आंकड़े ये बताते भी हैं कि जमीन से जुड़े हुए मामलों में सबसे ज़्यादा जो मामला है वो अपराध की स्थिति तक जाता है, यानी कि एक दूसरे से जान लेने और जान देने तक की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। ऐसे में जिस तरह के मामलों का हमने अभी जिक्र किया, जिस तरह के मामले जो है ये SBI ऑफिसर कॉलोनी नंबर 5 हनुमान नगर का जो जिक्र है, इस तरह के कई मामले जो है बिहार में हैं। क्या बिहार सरकार इस तरह के मामलों को दूर कर सकती है, या कैसे वो दूर करे, या फिर क्या वो नया तरकीब इस्तेमाल करे ताकि जो है इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। इस पूरे मामले को देखने और सुनने के बाद यही समझ में आता है कि इस पूरे मामले में जो है कुछ ना कुछ तो लीपापोती जरूर की गई है। ऐसे में ये पूरे जो दोनों लोग हैं, सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष के साथ साथ हम भी ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो है अधिकारी जो अब तक इस पूरे मामले को नहीं सुन रहे हैं या फिर उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मामला जो है पूरी सोसाइटी का है, और इस तरह से अगर किसी व्यक्ति का मन बढ़ जाए तो वो किसी का भी संपत्ति हड़प सकता है, ले सकता है गैर कानूनी तरीके से। ऐसे में एक बार फिर से कह लें कि अधिकारियों को देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और इस पूरे मसले पर विचार करने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी को ज़मीन एक बार फिर से मिल सके। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।